हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ मोना। तो फ्रेंड्स, आज है 26 जनवरी और सब लोगों को फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। ये वीडियो पता नहीं आज जाएगा या कल जाएगा। तो आज भी एक त्यौहार ही है एक तरीके से हम लोगों का। तो मैंने सोचा कि मैंने इस बार सर्दियों में ना गाजर का हलवा ही नहीं बनाया एक बार भी, तो मुझे लगा कि क्यों ना आज ही बना लिया जाए। तो मैं आपको बस यही शेयर करूँगी, मैं आपको बताऊँगी, आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि मैं गाजर का हलवा कैसे बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनता है। बस एक इंग्रेडिएंट मैं एक्स्ट्रा डालूँगी और जिससे गाजर का हलवा मेरा बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये गाजर मैंने ले लिया है और इसे ऊपर का जो छिलका है उसे हटा लिया है और मैं इसे कद्दूकस नहीं करूँगी। मैं दिखाती हूँ कि मैं इसे क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने, मेरे हस्बैंड इसे चॉप कर रहे हैं। मैंने एक वंडर सेप का चॉपर मंगवाया है, किसी दिन मैं दिखाऊंगी कभी आपको सही से कि उसका रिव्यू कर दूंगी मैं कि कैसा है। बहुत अच्छा है। तो इसी मैं चॉप कर लूँगी अच्छी तरीके से और काफ़ी अच्छे से ये एकदम छोटा छोटा कट जा रहा है। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे कद्दूकस करने की ज़रूरत है गाजर को। उसमें कद्दूकस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है बट इसमें बहुत इजीली हो जा रहा था, तो मैंने इसे चॉप कर लिया है तो और बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं गाजर का हलवा बनाने। और एक्चुअली सुबह मैंने सोचा था सुबह बना लूँगी लेकिन सुबह नहीं बना पाई, खाना बनाने में लेट हो गया मुझे, तो सुबह मैं नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि उसके बाद खाना वाना खा के मैं सो गई थी, तो अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ तो मुझे लगा कि ये गाजर का हलवा वाला काम कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लगता है इसमें बनाने में। तो मैं बता रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। मैंने कढ़ाई गर्म कर लिया और कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं देसी घी डालूँगी। ये गोवर्धन का घी है, ये अच्छा होता है, तो ये घी डालूंगी मैं। और इसमें 1.5 किलो मैंने गाजर लिया है तो अच्छा खासा घी डालूंगी मैं। बहुत लोग बाद में घी डालते हैं बट मैं पहले ही घी डाल लूंगी। इतना घी ले लिया है मैंने। जब ये पूरी अच्छी तरीके से पिघल जाए, तो मैंने आपको दिखाया था कि गाजर मैंने कद्दूकस नहीं किया है, मैंने इस तरीके से किया है, वो जो चॉपर था ना उसमें चॉप कर लिया है, मुझे बहुत इजी हो गया। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ हो रखा है ये। तो इसे मैं घी में डाल के अच्छी तरीके से भूंज लूंगी। तो चलिए मैं भूंजती हूँ, उसके बाद अभी मैं डालती हूँ इसमें। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अब मैं इसमें दूध डालूंगी और दूध में डालूंगी फुल क्रीम। तो ये देखिए इसमें मैंने 1 लीटर दूध डाला है। अब मैं इसे धीरे धीरे करके इसी दूध में पका लूँगी। 1 लीटर दूध अब ये धीरे धीरे इसमें पकता रहेगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है बट बहुत टेस्टी बनता है। मैं कुकर वगैरह में नहीं बनाती हूँ, मैं इसी में धीरे धीरे करके पकाऊँगी। तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पर करके छोड़ दूँगी। ये देखिए जो दूध था वो लगभग सूख चुका है। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैं लास्ट में ही ऐड करती हूँ ताकि फिर जो भी पानी चीनी के डालने से ये थोड़ा सा और गीला हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं और इसको सुखा लूँगी। तो चीनी मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ। मैंने इतना चीनी डाला है, ये सफिशियंट है इतने हलवे के लिए। और इसमें मैं एक और चीज़ डालूंगी, वो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या डालने वाली हूँ इसमें। इसमें डालूंगी मैं ये
नेस्ले नेस्ले का है मिल्क मेड, दिख रहा है आपको? मैं ये इसे मैंने ओपन कर लिया है, इस तरीके से होता है ये। तो इसमें मैं ये ऐड करूँगी, इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है ये। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा मिल्क मेड डाल के गाजर का हलवा। जो मैं एक स्पेशल इंग्रेडिएंट की बात कर रही थी वो यही था, इससे बहुत टेस्टी हो जाता है। अब मैं इसे फ्लेम तेज करके इसे सुखा लूँगी, और सुखाने के बाद इसमें मैं ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। तो मैं सुखा लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने लिया है काजू, काजू को मोटा मोटा काट लिया, ज़्यादा बारीक नहीं किया मैंने। और उसके बाद इसमें लिया है इलायची दाना, और उसे कूट लिया है मैंने। तो ये मैं बस इसमें डालूँगी। तो ये देखिए मेरा गाजर का हलवा बनके एकदम रेडी हो गया है, और ये बहुत टेस्टी बना हुआ था। मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था, तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। और जो पहले थोड़ा सा दिख रहा था वो लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा ब्लैक दिख रहा था, बट इसका कलर बहुत अच्छा रखा है जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। तो आई होप आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि कैसा बना। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।